नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। हालांकि सुर्खी में बनी हुई है वो न्यूज़ जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली जो घटनाएं सामने आ रहे हैं, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर 1400 जगह में भूकंप होने की खबर है। तो फिर एक जब ये पहले ये जब न्यूज़ मिला तब 800 जगह पे भूकंप हो चुका था, वो भी 16 घंटे के अंदर। दिन के ख़त्म होते होते ही 24 घंटे में 1400 जगह में भूकंप की जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वो फिर देखने को मिला है। तो मालिका में ये भी लिखा था कि एक समय ऐसा भी आएगा अंतिम कालखंड में, अंतिम पर्याय में एक दिन में कई बार भूकंप होगा। तो क्या उसका शुरुआत हो चुका है? पंचखाओं ने भूकंप के बारे में क्या क्या लिखे हैं? 2023 के ये जो नवंबर का महीना है, क्या यहीं से शुरुआत हो गया? इसके बारे में आज का ही चर्चा है। साथ में जुड़े हैं प्रसिद्ध बालिका पीठ धानकूद पीठ के पीठाधीश प्रेमसागर बाबा अर्खितदास महाराज जी। महाराज जी, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय। तो फिर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं समग्र देश से, तो फिर वो जानना चाहते हैं कि महापुरुषों ने भूकंप के बारे में क्या लिखे हैं। हमारे ओडिशा का साधु संत जो पंच महापुरुष होता है वो तो मालिका का गंथागर है। जी जी। जैसे एक लक्ष्य से ऊर्ध्व ग्रंथ लिखा, वो एक लक्ष्य 85,000 ग्रंथ की प्रकट किया गुरु अच्युत ने। लक्ष्य ग्रंथो पंच सखा, लक्ष्य ग्रंथ जो संपन्न लक्ष्मी धोरो विलास नीला प्रकट करेगा, वो लखे 85,000 ग्रंथ का रचना किया। इनका मालिका से जो भविष्यवाणी पृथ्वी के लिए एवं भारत के लिए, ओडिशा के लिए, देश के लिए दिया ना, वो अक्षर अक्षर में सत होता है। भविष्यवाणी ओडिशा का संत अच्युत महापुरुषों ने लिखा। देखिए, अभी जो पृथ्वी में जो कार्य हो जाता है, जो आप लोग का आ जाता है सामना में कभी कभी, जो वर्तमान भूमिकंप हुआ, इनसे बहुत लिखा है। जे ठाबे ठाब में ऐसा ऐसा, मतलब क्या लिखा है एक बार ओडिया में बोल दीजिए, फिर उसका जो है हिंदी में हम भाषण। ठाबे ठाबे भूमिकंप होइब, पृथ्वी चहल पड़ीण जीव, बुर्दु भूमिकंप प्रलय जान, पंचभूतरे होइब प्रमाण। जैसे कि पृथ्वी, ये भूमिकंप पृथ्वी से होता है, पृथ्वी से जब आएगा, पृथ्वी से जल मिल जाए, पृथ्वी जल मिल जाएगा, वो जल से प्रलय आएगा, पृथ्वी तेज, इनके तेज मिल जाएगा, तेज अग्नि होता है वो पंचभूत में, वो तेज मिल जाएगा, पृथ्वी तेज इनसे जल मिल जाएगा, या महाप्रलय करे तब वायु प्रचंड वेग में बहेगा। इसी संत के से आप लोग को मन में रखिए, जो भूमिकंप देश के लिए बहुत खराब है, इसी से यह भूमिकंप का सूचना होता है आगामी भविष्य में भारत में पृथ्वी में ऐसा भूमिकंप बहु हो जाएगा, जैसा कि जनता का खेती हो जाएगा। इसलिए महापुरुष ने बोला आया कि जो वो भूमिकंप से भगवान का शरण लेना चाहिए, निष्ठा रखना चाहिए, भगवत विश्वास करना चाहिए, तब वो एड़ी जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा कैसा नहीं। जैसे कि मीन शनि आता है, जैसे कि बन्यावात्या आता है, जैसे कि युद्ध आता है, इसी का परिणाम क्या होगा इसी मालिका में लिखा है। इसलिए ये जो भूमिकंप हुआ है वो मालिका में बहुबार अच्युतानंद जी और जसवंत जगन्नाथ बलराम पंच महापुरुष में लिखी था, इसी आज 500 वर्ष में लिखा हुआ था, अभी होता है, अभी वो सत्य में जो है रूपांतरित हो रहा है। तो मतलब एक सवाल था, बस एक चीज़ जानना था, मतलब ये जो भूकंप की बात हम कर रहे हैं, अगर पिछले कई दशकों की हम बात करेंगे तो समय समय पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े भूकंप तो चलते हैं। हाँ, तो फिर अब नया क्या होगा? तुर्की में भूमिकंप हुआ था, भारत में होता है, ओडिशा में होता है, और भारतवर्ष में बहुत देश में होता है भूमिकंप, किसी का नजर, जैसे कि बन्या बात्या छोटा छोटा होता है। नहीं, भूकंप तो चलते आ रहा है सदियों से, लेकिन अब क्या होगा, नया क्या होगा? वो भी वो जो ज्यादा होगा, वर्तम अभी भारत का संतुलन परिवेश वृक्ष आदि का संतुलन एवं जो पर्वत गिरी का संतुलन बहुत कमजोर हो गया। जी जी जी। जैसे कि पृथ्वी का रस हरण होते रहता, इसीलिए वो भूमिकंप होगा। इसे भागवत गीता और वेद शास्त्र पुराण आगम शास्त्र में ये वचन किया, भगवान शंकर पार्वती ने कहा वो भूमिकंप होगा, भगवान अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा वो भूमिकंप होगा कलि युगों में, ऐसा भगवान
श्री कृष्ण श्री राम ने भी हनुमान से कहा है भूमिकंप होगा, बहुत शास्त्र गुप्त के अंतिम कालखंड में ऐसे ऐसे तबाही होने वाले भूकंप होंगे। इससे सोचना पाएगी जे आप भगवान कल की अवतार होने का समय आ गया जी जी, इसलिए सतर्क होना चाहिए। जैसे कि आपकी जंत्र दिखाया और जो एकाक्षर जप करेगा, मंत्र जप करेगा, गुरु का कृपा आशीर्वाद लेने के लिए चाहिए, प्रभु जी का भजन करना, से श्री राम के करो, श्री कृष्ण के करो, श्री जगन्नाथ के करो, श्री नारायण के करो, जिसके मन में विश्वास है वो तो अवतार ही है ना, भगवान जगन्नाथ, श्री नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, इनका भजन करना चाहिए। और साधु संत का देश है भारतवर्ष, साधु संत से विश्वास करना चाहिए। अब एक बार साधु संत से विश्वास करेगा तो भगवान दर्शन हो जाएगा। बट एक बात मैं जानना चाहूँगा महाराज जी आपसे, अभी हाल ही में अगर कुछ दिन पहले की हम बात करेंगे तो टर्की में हुआ था भूकंप, सीरिया में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, फिर हाल में नेपाल में हुआ। जब नेपाल में हुआ तब दिल्ली भी कुछ मात्रा में ढल गया था, 5.4 उसका तीव्रता था रिक्टर स्केल पर। क्या आने वाले समय में भारत में भी ऐसे बड़ी भूकंप होने की संभावना है? संभावना है, भारत में बहुत भूकंप होगा आगामी दिन में। ये भूकंप बुद्धि पाएगा, जैसे बढ़ेगा उसका संख्या, हाँ बढ़ेगा। इसलिए ये पृथ्वी का भारसम संतुलन जैसे होता है, इनको सुरक्षा करने के लिए हम सचेतन होना चाहिए जी जी, नहीं तो क्या होगा कि कहीं नहीं गया। फिर महापुरुष का वाक्य कैसे टलेगा, वो तो पृथ्वी बेनी फाल होने हो गए होगा, ये इनके वाक्य अटल रहेगा। अमृत भकी जाई पारे प्राण, और इनके वचन अच्युत वचन नोई वाहन, पूर्व भान ओबे पश्चिम में जीवे, अच्युत वचन आनंद होगी, पूर्व का भान पश्चिम में उदय हो जाएगा, लेकिन इनका वाक्य नहीं टलेगा। जो महापुरुष अच्युतानंद जा है उनके बात की जो है कभी अन्यथा नहीं होगा। तेणु अमृत भकने से प्राणी अमर होता है, वो मर जाएगा लेकिन मेरा वाक्य टलेगा नहीं, ऐसे दृढ़ वाक्य ने प्रकट किया गुरुदेव ने। तेणु ऐसे आप लोग का जो अभी का अभी भारत का परिस्थिति है, जो आज सत्यभंज चैनल के माध्यम से सत्यभंज भाव से बुलाया, वो सही, वो लोग सही है। वो लोग की चिंता चेतना ऐसा होता है, भगवान का कथा, संत महात्मा का वाणी, सब देश में धर्म है, सब देश में भक्ति है, लेकिन कौन कैसे है इनको प्रकट करो जी जी जी, लोग से परिचय है, भक्ति हो परिचय हो, संत का हृदय में क्या है, भाषा एक है, देश एक है, लेकिन मातृभाषा एक होता है, परमात्मा एक होता है, ब्रह्म एक होता है, जैसे इनका किसी का पास क्या साधना है इनको प्रकट करने के लिए, ये सत्यवंज चैनल ने प्रयास किया, इसलिए इतनी बड़ी बात आप मत बोलिए। अच्छा चलिए, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो फिर आप अभी सुन रहे थे धानकुट पीठ के पीठाधीश प्रेम सागर बाबा अर्खित दास महाराज जी को। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर भाषाओं से आपको समझाए कि महापुरुषों ने 500 साल पहले जो लिखे थे आज समय आ गया है, अक्षर अक्षर पर वो घटनाएं सत्य में रूपांतरित हो रहा है। तो फिर बाबा जी ने जो बोले, संत अच्युतानंद दास ने भी लिखे थे 500 साल पहले, पहले उड़िया में मैं बोल देता हूँ उसको, उन्होंने बोले थे अमृत बक्सी जाई परे प्राण अच्युत वचन न हो वाहन। इसका मतलब यह है अमृत खाने से जो इंसान अमर हो जाता है उसको मृत्यु जो है कभी उसके समीप नहीं आ पाएगा, लेकिन हो सकता है उसका मौत हो जाए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ संत अच्युतानंद दास जी जो कह रहे हैं वो कभी नहीं टलेगा, वो होकर ही रहेगा, इसका मतलब यही है। तो फिर ये सब चीज़ें हम आपको डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, मालिका हमेशा समाज को एक सचेतन की वार्ता दिया है, वो सब हम आप तक पहुँचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचका।